बिस्मिल्लाह शदवान जी बिस्मिल्लाह रहमान जहिदात रहमान होती देवख के मौजूद है माँ अकबर मेडिकल सेंटर के चिदागे इब्तदाई तकरीब दे उदागे मेहमान खसूसी शेख अल्लामा मोहम्मद सद्दीक साहेब चिदे खतीब आगे मेहमान खसूसी जी उदागी पा नुम बने चिदे दागी पा दलत इफ्तिताश उदागी पा लास बने पदी तकरीब के द मर्दान मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात और ताजरान और डॉक्टरान खुसूसन शिरकतों को खुसूसन साबिक वज़ीर आमिर हैदरान होती पदे तकरीब की उम शिरकतों को और सर साबिक ज़िला नाज़िम हिमातुल्लाह मायार साबिक एम पी ए हाजी अहमद बादर एम पी ए और नूर मुख्तलिफ मुअल्लिजीन और नूर दास डॉक्टरान अब की शिरकतों को और हैदर खान पखपन खिताब के दाऊ चिरदा अकबर मेडिकल सेंटर चिरदा न सिर्फ द मर्दान दखल को पारा बल्कि नौखार चार सदी और द गेर चापेरा इलाकों का पार बम द सेहत सहूलियात वर गई और उम्मीद धर्म के दा किस्म नूरम प्राइवेट मेडिकल अस्पताल में चिरा कायम छी और अवामो द खेगड़ द पारा द गरीब अवामो द सेहत सहूलत द पारा कारामद साबित छी हैदर खान पखपन खिताब आऊँ हुई चेहरा कम द मदीनी रियासत खबर अच कई इमरान खान वजी अजम अगला पका दी चला दा कम सीनेट के कम वोट अगस्त चा पजे वोट अगस्त शिविर चा पैसे और खिलाफ जम कार्रवाई हुई वजी अला सबक वजी अला दाम नौ पुख्तन शुआ चेरा मौजूदा वजी अला महमूद खान चकम दाग मुतालिक खबर गिड़ी ना वे ज अगल अहमियत और कोल ना वाड़म दाग मुतालिक इस किस्म से खबर वेल ना वाड़म नो आगम और ऊँचे दे हवाले सर वजी अला से हुई महमूद खान मुतालिक। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में से भी अगर किसी ने पैसे लिए हैं तो जाहिरी बात है कि कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं बनती। हॉर्स ट्रेडिंग है, ज़मीर फरोशी है, वो चाहे किसी भी सियासी पार्टी का कारकुन करे। ज़मीर फरोशी की हम मजम्मत नहीं करते, उस पर लानत भेजते हैं। कम अज़ कम हमने तो जब भी हमें इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा है, 90s में हमने अपने MPS को निकाला, 2003 में हमने अपने MPS को निकाला और सेनेट चेयरमैन के वोट में जब काफ़ी बड़ी तादाद में वो वोट में नहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जब फ्लोर क्रॉसिंग की गई, हॉर्स ट्रेडिंग की गई, वो नाकाम रहे हम उसमें, तो सिर्फ वाहिद ANP ने अपने एक वाहिद सेनेटर को पार्टी से निकाला और किसी ने नहीं निकाला। लेकिन मैं PTI की इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने या मुस्लिम लीग ने या पीपल्स पार्टी ने तो मदीने की रियासत की दावेदारी नहीं की। जो मदीने की रियासत की दावेदारी है जिनकी, कम अज़ कम उनको तो ख्याल रखना चाहिए। जब मुझसे सवाल किया जाता था परवेज खटक साहब के बारे में तो मैं उसका जवाब देता था। महमूद खान साहब को अल्लाह ने वज़ीर आला बना दिया है और वज़ीर आला की हैसियत से काबिल एहतराम है मेरे लिए वो, लेकिन मैं उन पे कमेंट्स करना मुनासिब नहीं समझता। ये कमेंट्स अगर मेरे पार्टी की कोई और अहदेदार कर ले तो मेरे ख्याल से मुनासिब होगा। शुक्रिया।